हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शोज़ इज टूडो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो तो आज का वीडियो होने जा रहा है एकदम न्यू एकदम फुल फ्रेश जो कि है मेरी ग्रूमिंग का लेकर लेकर और वो भी मैं हिंदी में बात करूंगी पूरी वीडियो में तो आप लोग देखते रहिए मेरी ये वीडियो तो मैं हर दे नहीं करता तो हफ्ता में एक बार करना ट्राई करता हूँ फेस वाश तो देखिए मैं फ़र्स्ट जो यूज़ करता हूँ जो फेस वाश है वो है एक द मैन कंपनी का जो कि उसमें चारकोल है तो वो फेस वॉश में यूज़ करता हूँ और इसके जो आ, आप लोग अमेजोन से ख़रीद सकते हैं तो ये एक हंड्रेड एम का बोतल मिलता है आप लोगों को तो वो मैं जो लिंक है वो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये है जो एक स्किन वाइटनिंग स्क्रावर है जो मुंह पे और आपकी फुल बॉडी पे आप आ, स्क्रावर कर सकते हैं तो और यह है जोबेस का एक हल्दी आ, का जो नेचुरल जो होता है हल्दी हल्दी नहीं चंदन जो होता है वो उसका आ, एक फेस पैक और यह है ओआओ का आ, एक कफिन फुल्ली ऑयल फ्री एक फेस सीरम जो कि बहुत लाइट है कुछ मिनटों में ही आपकी फेस पे ऑब्जर्व हो जाता है और ये है जो स्विस ब्यूटी का दो एक है स्क्रबर एक है लिप बम और एक लिप स्क्रबर और जो स्क्रबर है वो है शुगर से मेड किया हुआ और तो शुरू करते हैं तो पहले ही मेरी मेरी बाल को जो है वो मैं एक बैंड से कवर कर लिया क्योंकि नहीं तो बार बार गीले हो जाएंगे और मेरे मुंह पे ऊपर आ जाएंगे इसलिए तो पहले मैं थोड़ी जो थोड़ी गर्म किया है मैंने ज़्यादा नहीं किया तो वो गर्म वाटर से मैंने पहले मेरी फेस को भिगो लिया है और उसके बाद मैं लगाऊंगा फ़ेस वाश और जो फेस वाश है ना वो निकालने के लिए ये थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये फेस वॉश जो है बहुत गारा है और निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है तो मैं तो पहले जो जब भी मैं फ़ेस वॉश करता हूँ उसके दो तीन मिनटों पहले या पाँच मिनट पहले इस डब्बे को उल्टा करके रख देता हूँ और उसके बाद ये सारा जो है उसके मुंह के अंदर चला आता है और निकालने में बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही गाढ़ा है और ये ब्लैक ब्लैक सा है क्योंकि उसके अंदर चारकोल है तो और ये जो है जिससे मदद से मैं मेरी फेस पे ये फेस वाइज घिस रहा हूँ और वो है एक घूमने वाला एक मशीन था जिसके अंदर इसको लगा कर फेस पे लगाता है और ये घूमता था तो वो ना बहुत स्लो घूमता है तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया तो मैं मेरे हाथ से इसको चला लेता हूँ अब तो क्या ही करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ही स्लो घूमता है तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता तो और मैं इससे कम्फर्टेबल हूँ और ये देखिए मेरे मुंह से क्या क्या निकलता है ए हफ्ते में एक बार हफ्ते में एक बार फुल फेस वॉश नहीं ऐसे मैंने इतना सारा कुछ करके फ़ेस वॉश एक हफ़्ते में एक बार ही करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और जो नॉर्मली फ़ेस वॉश है फेस वॉश से मैंने आने के बाद और रात में सोने के आप पहले कर लेता हूँ और अब देखिए जो एक टिश्यू लिया था मैंने उससे और गर्म पानी से मेरा जो फेस वॉश किया था वो सारा सब कुछ मैंने धो लिया है अब इसके बाद मैं लगाऊंगा स्क्रबर जो स्क्रबर है ये ना व्हाइट व्हाइट सा क्रीम क्रीम साइप सा टाइप सा है और उस पर जो स्क्रबर है ये ऑरेंज कलर का और ग्रे कलर का छोटी छोटी बॉल्स है तो उसके लिए भी मैं और ये जो क्रीम है ना ये बहुत ही सॉफ्ट सा है और इसके लिए भी मैं ये यूज़ करता हूँ कि स्क्रबर को भी मसाज करने के लिए ये ये भी हो वो, वो जो घूमने वाला मशीन था उस पर ही था तो वो इस इस पर भी ये भी लगाऊँ तो भी स्लो ही घूमता है तो इसलिए मैंने हाथ से ही दोनों का दोनों हाथ से ही यूज़ कर लेता हूँ और आप लोग मुझे कह सकते हैं कि, कि ये सब लड़कियां ही करते हैं लड़के नहीं करते ये सब नहीं बाबा लड़के भी करते हैं क्योंकि लड़के की भी स्किन होती है तो स्किन केयर करना तो सबको ही बनता है तो हम लड़कियों लड़कियाँ जो है वो लड़कियों के चीज़ से करता है तो हम लड़के जो है लड़के की चीज़ से करते हैं इतनी सी ये बात है तो बहुत लोग ये वीडियो देख कर हाँस भी सकते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो ये सब बातें मैं ना इतने कान में नहीं लेता तो अब देखिए तो स्क्रबर तो मैंने घिस लिया और वो भी ना ये एकदम नरम हाथ से ही घिसना क्योंकि स्क्रबर तो है ही तो ज़्यादा जोर से घिसोगे तो स्किन उल्टा रफ़ हो जाएगा तो एकदम धीरे धीरे से ही घिसना तो देखिए मेरे छाती पे ना बहुत सारे बड़े बड़े पिंपल हुए हैं क्योंकि जो हमारी यहाँ बहुत गर्मी है इसीलिए गर्म की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई पीठ पे भी बहुत है छाती पे तो कम ही है पीठ पे बहुत सारा है तो हमारे यहाँ जो रविंद्रनाथ का प्रो जन्मदिन हुआ था उस टाइम पे एक प्रोग्राम प्रो हुआ था वहाँ गया था मैंने तो उस दिन बहुत गर्म था इसीलिए ही ऐसा हो गया है पिछली बार भी हुआ था पिछली बार मैं अगरतला गया था तब हुआ था वहाँ भी बहुत गर्म था तो तब हुआ था ऐसा तब तो देखिए मैं फ़ेस पे जो है वो जो पैक है ये लगा रहा हूँ और ये ना बहुत हल्का करके लगाना क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो सूखने में बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए मैं भी बहुत हल्का करके लगाता हूँ क्योंकि टेन मिनट के अंदर ये सूख जाना चाहिए नहीं तो इतने देर तक कौन ऐसे बैठे चुप बैठे रहेगा ठीक है ना तो इसी तो आप लोग जो है जो बहुत हल्का करके लगाना क्योंकि बात करेंगे ये लगाकर तो जो क्रैक आ जाएगा जो स्किन पे एक मोज आएगा तो वो मोज ना आपकी स्किन पे रह जाएगा वो दाग हो जाएगा आपके स्किन के इसीलिए तो एकदम हल्का करके लगाना जो टेन मिनट में सूख जाए तो टेन मिनट तक तो चल जाता है पर उसके उससे ज़्यादा नहीं चल सकता मेरे लिए तो नहीं चल चल सकता इसीलिए तो आप लोग मेरे ये फास्ट वीडियो वीडियो देख रहे हैं कि हिंदी में तो कोई गलत वर्ड यूज़ कर देता हूँ तो माफ़ कर देना क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती क्योंकि हम तो हैं बंगाली तो इसीलिए आज ट्राई किया हिंदी में तो तो देखिए मैं बैठे बैठे क्या करूँ इसीलिए लिप में जो स्क्रबर है ये शुगर से मेट किया गया हुआ है स्विज ब्यूटी का तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप लोग वहाँ से जाकर ख़रीद भी सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो लिप को भी ना आप लोग उंगली से धीरे 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 करके एकदम नरम हाथों से मसाज कर सकते हैं और मैं जो कह रहा था कि मेरी जो वीडियो वगैरह है वो सब कुछ बंगाली में ही है तो आज का ये जो वीडियो है ये ही सिर्फ हिंदी में है तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना और जो मेरे अगली वीडियो आएगा तो वो क्या मैं हिंदी में बनाऊँ या फिर बंगाली में बनाऊँ आप ये भी कमेंट करके ही मुझे बता और आ, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना और आपको आपकी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और जो मेरी लड़के फ्रेंड है वो ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आ, ये मैं भी यूज़ करता हूँ तो बहुत ही स्वीटेबल है तो और ये जो है ये मतलब आ, सब स्किन टोन के लिए ही अवेलेबल है क्योंकि किसी का ऑयली है किसी का ड्राई स्क्रीन है तो ये जो जो प्रोडक्ट यूज़ में करता हूँ तो ये ऑयली स्किन के लिए भी ऑयली स्किन है तो भी यूज़ कर सकता है और ड्राई स्क्रीन है तो भी यूज़ कर सकता है तो देखिए मैं बात करते करते मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया टेन मिनट हो गया था तो मैं अब ये जो है सब धो दिया मैंने वो भी गर्म पानी से ही धोया मैंने तो देखिए मैंने सब धो दिया तो मैं अब जो मैं जब भी मुँह धोता हूँ जो जिस टाल से मैं मुँह पोछता हूँ उससे ही मैंने मैं एक बार मुँह पोछ लिया और उसके बाद मेरी आ, खाली हाथों से मेरी मुँह जो है वो उसको मैं थोड़ी जो मसाज है वो कर लिया और उसके बाद मैं फेस सिरम जो है वो लगाऊंगा तो ये देखिए मैंने ले लिया है फेस सीरम तो ये जो फ़ेस सीरम है ना ये थोड़ा गाढ़ा है एकदम एकदम ही लाइट वेट का है तो आप मुंह पे लगाएंगे तो एकदम पता ही नहीं चलेगा कि मुंह पे कुछ लगाया है एकदम लाइट वेट है और वो भी आ, दो तीन मिनटों में दो तीन मिनटों में मिनटों में एक मिनटों में ये ऑब्जर्व हो जाता है आपकी स्किन के साथ और जो आ, हमारी स्किन है उसको थोड़ी शाइन शाइनी रखती है ये ही तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फेस पे आप पहले से बहुत ही जो एक वाइटनिंग है वो आ गया है पहले से तो मेरी आफ्टर बिफोर पिक भी मैंने दे दिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले कैसा था और आप थोड़ा सा एक एक बार में नहीं जो एक बार में मैं एकदम सुंदर हो गया ये नहीं आ, जो है वो सोता तो है मैं काला हूँ तो हूँ ही तो थोड़ा सा तो ग्लो आता है स्किन पे तो आप लोग ये फ़र्क देख सकते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना और कोई गलती हो जाए वो भी बताना कि मैंने ये गलती कर दिया तो अब लिप बम भी लगा लिया देखो लिप भी देखो कितना अच्छा लग रहा है अब तो मेरे कंगी से अब बाल वाल सेट कर लिया तो दो ना तो हो गया तो अब क्या तो इसलिए बाल वाल सेट कर लिया तो देखो टी शर्ट भी पहन लिया फिर से तो देखिए मेरी स्किन पे तो एक वाइटनिंग टोन तो आया ही है तो ये देखिए मेरा आफ्टर और बिफोर पीक तो आप लोग ही देख कर बता सकते हैं कि कितना हुआ है तो चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं ये सब प्रोडक्ट और मैंने जैसे ये क्लीन किया आप भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे टाटा